पार्टिकल ऑन ए स्फीयर में हम ये मान के चल रहे थे कि जो हमारा पार्टिकल है वो स्फीयर के सरफेस के ऊपर रहेगा, स्फीयर के सरफेस पर रहेगा, मींस इसका जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है उससे डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट डिस्टेंस वी हैड सेड दैट लेट इट बी इक्वल टू आर। सो आवर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड इट इज आर, एंड वी कैन मूव दिस पार्टिकल और एक्सप्रेस द पोजिशन ऑफ दिस पार्टिकल आइदर इन एन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम इसको एक्स वाई जेड पोजिशन कोऑर्डिनेट से हम इसका पोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मली व्हेन इट इज मूविंग ऑन द स्फीयर देन इट विल बी मोर इजियर एंड कन्वीनियंट फॉर अस टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इन द टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाइ रादर देन एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। इसमें क्या होता है कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स जो है वो इंटर रिलेटेड टू ईच अदर होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टू सेपरेट द वेरिएबल्स अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस सेपरेटली, वी कैन नॉट सेपरेट द टर्म्स एक्स वाई जेड देयर। लेकिन अगर हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेते हैं तो हम इसमें से आर टर्म अलग निकाल सकते हैं, थीटा टर्म अलग निकाल सकते हैं और फाई टर्म हम अलग निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इजी हो जाएगा हमारे लिए कि ये विथ रेस्पेक्ट टू थीटा क्या इसका मोमेंट कैसा है पार्टिकल का वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू फाई इसका मोमेंट कैसा है और विथ रेस्पेक्ट टू आर इसका मोमेंट कैसा है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन कीपिंग द अदर टू कॉन्स्टेंट। सो हियर इट इज इजियर फॉर अस टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई, and we can use the method of separation of variables and then it becomes easier for us to express this equation or express the movement of the particle in terms of r theta and phi coordinates. But here what we need to make sure that r is constant, only theta and phi are varying when we are taking the particle on a sphere. What we had made it in the last lecture was that x can be expressed as r sin theta cos phi, y can be expressed as r sin theta sin phi and z as r cos theta. Here we have to remember that x में हमारा r theta and phi तीनों coordinates आते हैं, y में भी r theta and phi तीनों आते हैं, z में सिर्फ r and theta आता है। r हमारा constant है, variable सिर्फ theta and phi है, इसमें से z में सिर्फ थीटा प्रेजेंट होता है और x y में r एंड थीटा दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन x में हमारा जो phi टर्म है वो cos phi होता है, sin थीटा टर्म है वो दोनों में sin थीटा होता है, लेकिन phi टर्म जो है वो cos phi होता है x में और y में sin जो phi टर्म है वो sin phi होता है। सो y कोऑर्डिनेट विल बी एक्सप्रेस्ड बाय sin phi एंड x कोऑर्डिनेट बाय cos phi एंड जेड कोऑर्डिनेट बाय कॉस थीटा। ये तीन चीजें हमें याद रखनी है ये पूरे सेमिस्टर में, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस फाई होता है, वाई कोऑर्डिनेट साइन फाई होता है और जेड कोऑर्डिनेट कॉस थीटा होता है। यहां से अगर इतना आप याद रखोगे तो देन इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू फाइंड आउट विच ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, विच ऑर्बिटल्स वी आर डीलिंग विद, वेदर इट इज एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल, इसमें भी पी एक्स है पी वाई है या पी जेड है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस क्लू। सो फॉर अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन ऑन द स्फीयर द हैमिल्टोनियन फॉर दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एच क्रॉस इक्वल्स माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच कैप इक्वल्स माइनस एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर एम into del square by del x square plus del square by del y square plus del square by del z square, or in simpler terms we can express it as minus h square upon 8 pi square m into Laplacian operator del square. Let this be our equation number 1 and let this be our equation number 2. All the three as x, y, z coordinates. Let this be our equation number 2.
Now, when we express it, this Laplacian operator in polar coordinates, here what we are doing is Laplacian operator, we are expressing it in terms of Cartesian coordinates. When we express it in terms of polar coordinates, it can be expressed as, will not be deriving this equation, you can directly now isolate it, del square equal can be expressed as 1 upon r square into del by del r, r square del by del r plus 1 upon r square sine theta into del by del theta sine theta del by del theta plus 1 upon r square sine square theta into del square by del phi square. So we can express this Laplacian operator in polar coordinates by using this equation. Laplacian operator जो हमारा partition coordinates में होता है वो है del square by del x square plus del square by del y square plus del square by del z square. Easier है term यहाँ पे partition coordinates में, लेकिन उसको अगर हम polar coordinates में करते हैं तो ये हमें मिलता है. जो हमारा x y z terms हैं उसको double differentiate करो and then add them together, then we will get this particular equation. It is a 2 to 3 page derivation which is not necessary for us, so we can directly remember in this particular equation. यहाँ पे ये जो term है, this term is variable with r, del by del r है, and we have particle on a sphere, so as r is constant for us, because we are not varying r, so as r is constant, this term vanishes. So we can have del by del r equals del square by del r square equals 0. As there is r is constant, so change in r will also be 0. As it remains constant, so change with respect to r will be 0. So del by del r can be put up as a 0 and this term vanishes. So our del square now becomes 1 upon r square sine theta into del by del theta sine theta del by del theta plus 1 upon r square sine square theta into del square by del phi square. So this becomes our simpler equation. Now what we can do is that we can substitute this equation in our Hamiltonian. Our Hamiltonian is minus h square upon 8 pi square m del square. So when we substitute it, this equation there, we get our Hamiltonian as minus h square upon 8 pi square m into 1 upon r square sine theta del by del theta sine theta into del by del theta plus 1 upon r square sine square theta del square by del phi square. So this becomes our Hamiltonian, and we have Schrodinger's equation. Schrodinger time independent equation, we have it. As h psi equals e psi. In a simpler term, we can have it as h psi equals e psi. So ye hamara h hai yahan pe, and when we multiply it by, or when this operator operates on the wave function psi, it gives us eigenvalue e, that is total energy, and the wave function is decay. So we can write this equation. This is our equation number 4. This equation, when we substitute it here, we get minus h square upon 8 pi square n 1 upon r square sine theta del by del theta sine theta del psi by del theta
प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल स्क्वायर साय बाय डेल फाइव स्क्वायर इक्वल्स ई साय। इफ वी मूव दिस ऑन द अदर साइड वी विल गेट वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल साय बाय डेल थीटा प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साय बाय डेल फाइव स्क्वायर इक्वल्स एट पाई स्क्वायर एम माइनस एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई साय। When we simplify this particular term, यहाँ पे ये जो है इसको अगर हम differentiate करते हैं तो it is just nothing but a differentiation with respect to theta of two terms, sine theta and del psi by del theta. Let this be if our u equals sine theta and v equals del psi by del theta, then del by del theta of u into v, ये हमारा u है और ये v है, so it is del by del theta of u into v. ये u this equation we have already solved it. This can be solved very easily by del u by del theta into v plus u into del v by del theta. By using this particular relation, what we can do is we can try to solve this equation as 1 upon r square sine theta into this equation here. First, we will keep this del psi by del theta constant v, and we will differentiate this with respect to theta. So, differentiation of sine theta with respect to theta is cos theta. Del psi by del theta of cos sine theta is cos theta plus now sine theta we will keep it constant and we will differentiate this term with respect to del by del theta. That becomes del square psi by del theta square. Del square psi by del theta square plus this term we keep it as constant as it is r square sine square theta del square phi psi by del phi square equals minus 8 pi square m upon h square e psi. So this term now we can keep it, bring it on the other side. So it becomes now and we can multiply this and bring this term inside. We will get over here. यहाँ पे sine theta and sine theta cancel हो जाएंगे. So we will have one upon r square del square psi by del theta square plus this will be one upon r square into cos theta upon sin theta del psi by del theta plus 1 upon r square sin square theta del square psi by del phi square equals minus 8 pi square m upon h square e psi. यहाँ पे सभी में वन अपॉन आर स्क्वायर टर्म कॉन्स्टेंट है, कॉमन है, सो यू कैन टेक इट आउट कॉमन एंड ट्रांसफर इट हियर। वी विल गेट डेल स्क्वायर साय बाय डेल थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डेल साय बाय डेल थीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साय बाय डेल फाइव स्क्वायर एंड इफ यू ब्रिंग दिस ओवर हियर it will be plus 8 pi square m r square, ये r square यहाँ पे transfer हो गया, upon h square into e square.
इक्वल्स जीरो, दिस बिकम्स अवर इक्वेशन नंबर सिक्स. नाउ वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू सेपरेट द वेरिएबल्स. व्हाट वी कैन सी इज दैट psi is a function of theta and phi. This term is a function of theta. This term is a function of theta. Here this is function of theta and phi both. And this is a function of phi and theta both. So if you want to separate this into phi and theta terms, then we can use the method of separation of variables. We can use method of separation of variables. We have two variables, theta and phi. Method of separation of variables, we can use it. And for that, let us imagine psi, which is a function of theta and phi, be a product of two functions, p and f, such that p is a function of theta only and f is a function of phi only. So that p of theta is a function of theta only and f of phi is a function of phi only. It is independent of theta and p of theta is independent of phi. So now if we substitute it over here, what we get is, but before that, let this be our equation number 7, if we differentiate both the sides with respect to theta. Differentiating with respect to theta, equation 7 becomes del psi by del theta equals, here we have to remember that when we are differentiating with respect to theta, f of phi remains constant. Because it is a function of phi only, it does not have any theta term. So, ये हम जब differentiate करेंगे, तो ये constant रहेगा, and it will behave like a constant, और ये हमारा सिर्फ vary करेगा. So, this remains as a constant. So, it will be f of phi into dp by d theta, where p is a function of theta. So, this becomes our first. Now, what we can do is, if we differentiate it again, we get del square psi by del theta square. F remains constant as it is. And ye wapas se differentiate hoga. So, d del square p by del theta square. Where f is, instead of writing f of phi, we are just writing it as a f. And instead of writing p of theta, we are writing it as a p only. Let this be our equation number 8, and if we differentiate this equation 7 with respect to phi, जैसे हमने यहाँ पे with respect to theta किया था, now if we differentiate it with respect to phi, we get del psi by del phi equals, अभी इसमें p कांस्टेंट रहेगा और सिर्फ f चेंज होगा, सो p विल बी कांस्टेंट एंड वी विल हैव डेल f बाय डेल phi, एंड व्हेन वी डिफरेंशिएट इट ट्वाइस, डेल स्क्वायर psi बाय डेल phi स्क्वायर इक्वल्स p इनटू डेल स्क्वायर f बाय डेल phi स्क्वायर. लेट दिस बी इक्वल टू इक्वेशन 9. ये हमने इसलिए किया कि हमारा जो इक्वेशन नंबर 7 6 है हमारा, ये इक्वेशन में हमारे पास डेल स्क्वायर साई बाय डेल थीटा स्क्वायर टर्म है, डेल साई बाय डेल थीटा टर्म है, डेल स्क्वायर साई बाय डेल फाई स्क्वायर टर्म है. तो जब भी हम साई को चेंज करेंगे पी एंड एफ में, ये भी सारे हमारे चेंज होंगे. सो दिस आल्सो वी नीड टू चेंज इट ओवर देयर. सो व्हेन वी डू दैट, व्हाट वी विल गेट इज सब्स्टिट्यूटिंग equation 8 and 9
इन सिक्स वी गेट एफ इंटू डी स्क्वायर पी बाय डी थीटा स्क्वायर। अभी हम पार्शियल डिफरेंशियल से कंप्लीट डिफरेंशियल्स में जस्ट फॉर कन्वीनियंस वी आर राइटिंग इट, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू एफ ऑफ डी पी बाय डी थीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू पी ऑफ डी स्क्वायर एफ बाय डी फाइव स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई ऑफ पी एफ। इंस्टेड ऑफ साई वी आर राइटिंग इट एज पी एफ इक्वल्स टू जीरो। दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 10। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई इट मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पी एफ, बस यहाँ पे क्या है ये टर्म में हमारे पास एफ टर्म है दैट इज पाई है और थीटा भी है, यहाँ पे थीटा भी है पाई भी है, यहाँ पे भी थीटा एंड पाई बोथ आर देयर, हियर आल्सो थीटा एंड पाई बोथ आर देयर। नाउ वी वांट टू सेपरेट द टर्म्स वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय पी एफ। सो यहाँ पर होगा हमारा पी एफ, अगर हम यहाँ पर करेंगे तो एफ एफ गेट्स कैंसल्ड, वी विल हैव साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पी डी स्क्वायर पी बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा एक, सो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा और एफ कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल हैव इट साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन पी डी पी बाय डी थीटा। यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर थीटा पूरा कैंसिल हो जाएगा एंड पी भी कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल हैव इट वन अपॉन एफ डी स्क्वायर एफ बाय डी फाइव स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई, ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल हैव इट अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स जीरो। लेट दिस बी अवर इक्वेशन नंबर 11, where P and F are functions of phi and theta respectively. तो अब वो इक्वेशन नाउ कैन बी रीअरेंज्ड, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये टर्म पूरा थीटा पर डिपेंडेंट है, ये टर्म भी पूरा थीटा पर ही डिपेंडेंट है, यहाँ पे phi टर्म बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ phi टर्म है देर इज नो थीटा टर्म, यहाँ पर भी सिर्फ थीटा टर्म है phi टर्म नहीं है, यहाँ पे पी एफ हमारा कैंसिल हो गया इसलिए फाइव टर्म यहाँ पर नहीं है। सो वी हैव वन फाइव टर्म एंड थ्री थीटा टर्म्स आर देयर। फाइव टर्म को अगर हम दूसरी तरफ में लेते हैं तो वी गेट नाउ दिस इक्वेशन 11 कैन बिकम साइन स्क्वायर थीटा बाय पी इंटू डी स्क्वायर पी बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन पी डी पी बाय डी थीटा प्लस एट पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ई इक्वल्स, ये टर्म हमारा इस तरफ में आएगा, सो माइनस वन अपॉन एफ डी स्क्वायर एफ बाय डी पाई स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 12। इसमें अभी क्या है दिस टर्म दिस साइड एल एच एस कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सर यस इन इक्वेशन नंबर 11 द लास्ट टर्म शुड बी ई इनटू साइन स्क्वायर थीटा इट शुड नॉट बी डिनोमिनेटर इट शुड बी न्यूमरेटर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए था ना। यस यस वी आर मल्टीप्लाइंग या वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर राइट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय साइन स्क्वायर थीटा इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट राइट। थैंक यू एंड आप सो नहीं रहे हो ये भी अच्छा है वेरी गुड। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना सो हियर नाउ व्हाट वी कैन डू इज दैट व्हेन वी ऑब्जर्व दिस इक्वेशन नंबर 12 वी कैन से दैट एलएचएस इज कंप्लीटली फंक्शन ऑफ थीटा ओनली एंड आरएचएस इज फंक्शन ऑफ फाई ओनली।
So we have separated the two variables, theta and phi, separately we have done it. So that when we vary theta, it will be this LHS will be varying, RHS will remain constant. And when we vary the term phi, LHS will remain constant. मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम थीटा को चेंज करते हैं तो हमारा आर एच एस कॉन्स्टेंट रहेगा, एंड जब हम फाई को चेंज करेंगे तो हमारा एल एच एस कॉन्स्टेंट रहेगा. मीन्स कि हमारा आर एच एस शुड बी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट एंड एल एच एस शुड इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट. जब भी हम यहाँ पर ये टर्म को अगर हम चेंज करते हैं, एल एच एस को अगर हम चेंज करते हैं, तो सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है, सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है, एंड फाई अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो ये सारा हमारा कांस्टेंट रहेगा. सो दिस विल बिकम कांस्टेंट, मींस हमारा ये जो टर्म है, लेट दिस बी अवर ए टर्म एंड दिस बी अवर बी टर्म. व्हेन वी आर चेंजिंग ए टर्म देन एंड वी आर कीपिंग फाई कांस्टेंट, देन ए विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट बिकॉज ये हमारा कांस्टेंट है. सो इट इज इक्वल टू दिस. सो जब हम सिर्फ थीटा को चेंज कर रहे हैं सो हमारा आर एच एस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सो ए विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस कंप्लीट टर्म विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. व्हेन वी आर चेंजिंग फाई एंड कीपिंग थीटा एज ए कॉन्स्टेंट, देन व्हाट विल हैव इज बी विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. आर एच एस टर्म है, दिस इज डिपेंडेंट ओनली ऑन थीटा. सो जब हम थीटा वेरी करते हैं, तो थीटा को हम चेंज करते हैं और फाई को हम कॉन्स्टेंट रखते हैं, थीटा को चेंज कर रहे हैं तो थीटा इज ए एंगल विद एक्स विद जेड एक्सिस. थीटा वाज कॉल्ड एज ए जेनिथ एंगल एंड इट वाज विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस. इट वाज विद रिस्पेक्ट टू द जेड एक्सिस, व्हाट एवर द एंगल ऑफ द पार्टिकल वाज विद जेड एक्सिस दैट वी वर कॉलिंग इट एज ए थीटा एंड दैट वी कॉल्ड इट एज ए जेनिथ एंगल. सो ये जब हम जेनिथ एंगल को चेंज कर रहे हैं कीपिंग फाई एज ए कॉन्स्टेंट, फाई हमारा क्या था, एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस के साथ का जो एंगल था वो हमारा फाई था. प्रोजेक्शन में हमारा जो एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन किया था एंड देन दैट प्रोजेक्शन मेकिंग एन एंगल विद एक्स एक्सिस दैट वी कॉल्ड इट एज ए फाई और अजीमुथल एंगल. सो हम अजीमुथल एंगल को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, सिर्फ हम जेड एंगल जेड एक्सिस के एंगल को हम चेंज कर रहे हैं. सो जब हम थीटा को सिर्फ चेंज कर रहे हैं या जेनिथ एंगल को जब हम चेंज कर रहे हैं तो ये वाला टर्म हमारा कांस्टेंट रहता है, बी टर्म हमारा कांस्टेंट होता है. नाउ इन दिस इक्वेशन 12 ए इज इक्वल टू बी है. नाउ व्हेन वी आर वेरिंग ए बाय कीपिंग फाई कांस्टेंट, सो बी रिमेन्स कांस्टेंट, सो ए विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट. And when we are varying phi by keeping theta constant, then it will be this side will be constant, only b will be varying, such that b will be always equal to some constant quantity. So that this equation can be written into two different terms, such that both the terms are equal to some quantity, constant quantity. Let that constant quantity be equal to m squared. Let the constant be m square. Then the equation 12 can be splitted as minus 1 upon f square d square f by d phi square equals m square. Let this be our equation number 13, and second as d square p, say sine square theta by p d square p upon d theta square plus sine theta cos theta upon p dp by d theta plus 8 pi square mr square sine square theta upon h square into e equals m square.
अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय पी स्क्वायर पी अपॉन साइन थीटा, पी अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से अगर पूरा मल्टीप्लाई करते हैं देन इट बिकम्स डी स्क्वायर पी बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस दिस बिकम्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा पी कैंसिल हो जाएगा सो इट विल बी डी पी बाय डी थीटा प्लस एट पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई इंटू पी प्लस इक्वल्स एम स्क्वायर पी अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। Again, this term is a constant term. 8 pi square mr square into e upon h square is a constant term. So we can write this as b square p by d theta square plus cos theta upon sine theta dp by d theta plus beta p equals m square p upon sine square theta, where beta equals 8 pi square m r square upon h square into e. Let this be our equation number 14. ये हमारा equation 13 था, this is equation number 14 and let this be our equation number 15. ये जो equation है हमारा 13, this equation is dependent only on phi and is independent of theta. So this equation we call it as phi equation. Or we also call it as the angle was zenith angle, azimuthal angle. So we call this as azimuthal equation. This we call it as azimuthal equation. While ये जो इक्वेशन है हमारा इक्वेशन 14, दिस इज डिपेंडेंट ओनली ऑन थीटा एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई. सो एज इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन थीटा वी कॉल दिस एज थीटा इक्वेशन और एज द एंगल वॉज जेनिथ एंगल सो इट इज जेनिथ इक्वेशन, आइदर जेनिथ इक्वेशन और थीटा इक्वेशन. दिस आर इंपॉर्टेंट टर्म्स, zenith equation and the azimuthal equations or phi equation and theta equations. Beta हमारे लिए important है because this gives us the energy of the particle. यहाँ पे r term है, it is independent of theta as well as phi. It depends, the energy of the particle depends only on r, that is distance from the origin. Distance हमारा origin से कितना है, that will decide what is the energy of the particle. It will not be decided by the theta, that is angular distributions. Theta and phi both are angular distributions, or ye hamara hai, r is a constant, that is distance directly. So, total energy will be dependent only on the theta term, the r term, not on the theta term, theta or phi terms.